बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, कमाल कर दिया आपने, इतना हंसाया हम सबको, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप पहले, मैं एक बारी सब गेस्ट्स को कह दूं कि हमने डिनर का पूरा इंतजाम किया हुआ है, प्लीज़ दो थोड़ा सा भी प्रोग्राम शुरू किया है, थोड़ा आगे बढ़ जाए तो उसके बाद हम डिनर सर्व करेंगे। तो इस वक्त मैं अपने होस्ट और अपने बेटा उमर हयात को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आए। मैंने पिछली बारी इनको बॉय कहा था तो इन्होंने कहा मैं बॉय तो नहीं हूँ, मैंने कहा मेरे लिए तो बॉय है आप। उमर हयात प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से यहाँ आने का। आपके आने से रात के वक्त हम लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं तो यहाँ अंधेरा होता है। आज यहाँ इतनी माशाल्लाह रौनक है तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अगर कोई हमारी मेज़बानी में कमी रह गई हो तो मैं उसकी माफ़ी पहले ही आपसे चाहता हूँ। उसके बाद ये भी मैं कहूँगा कि गो के क्रेडिट हम ले रहे हैं लेकिन ये सारा जो इंतज़ाम आप देख रहे हैं इसमें उर्दू बैठक की इंतज़ामी कमेटी का बड़ा हाथ है। तो डॉक्टर असर, डॉक्टर नायला, डॉक्टर मोना, इलियाज़ार और बहुत से लोगों ने हु मेड इट हैपन, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट। आपका है सबसे ज़्यादा, आपका कर्म है जी हमारा। तो मैं आपको हॉस्टेज नहीं रखूंगा इसलिए कि होस्ट हूं, मैं दो नज़में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो क्योंकि बहार के हवाले से है आज का टॉपिक, तो एक नज़म ये मैंने कई साल पहले लिखी मोहब्बत के उनवान से। और इसको जब मैंने पढ़ा तो मोहब्बत के बारे में मेरा फ़लसफ़ा अब भी यही है, तो मैंने कहा कि इस नज़म को दोबारा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये नज़म कुछ इस तरह से है कि इसका उन्वान है मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं, मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं। खिजां रसीदा बेजान जर्द पत्तों की तरह, खिजां रसीदा बेजान जर्द पत्तों की तरह, अपनी मौत के मुंतजर जवानी के माहो साल। खिजां रसीदा बेजान जर्द पत्तों की तरह, अपनी मौत के मुंतजर जवानी के माहो साल, जब एक एक करके वक्त के बेरहम सर्द हाथ नोच लें। जब तुम्हें हर हसीं शय से हसद सा होने लगे, जब जिंदगी अपनी हंसी कबा उतार दे, जब तुम्हें इदराक हो इस तल्ख हकीकत का कि इसी झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली बुढ़िया का नाम, इसी बदहैत बदसूरत बुढ़िया का नाम जिंदगी है। जब आगही का सितम टूट पड़े, जब आगही का सितम टूट पड़े, जिंदगी हसीं यादों से मरसा अफसाना लगे। जब गुजरी हुई हर एक बात पे हंसी आए और अगला ही लम्हा उसे अफसुर्दगी में बदल जाए, जब गुजरी हुई हर एक बात पे हंसी आए और अगला ही लम्हा उसे अफसुर्दगी में बदल जाए। अफसुर्दगी जो अपने साथ गम लिए हो कुछ तासुफ और कुछ आंसू भी, तो जान लेना मैंने जो कहा था सच कहा था। तो जान लेना मैंने जो कहा था सच कहा था। मोहब्बत न कोई कीमती पत्थर, मोहब्बत न कोई शाहकार मुजस्सिमा कि तुम्हें दिखा सकूं, मोहब्बत इजहार की मोहताज भी नहीं कि तुम्हें जिता सकूं। क्योंकि मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं, मोहब्बत खूबसूरत चेहरों से की जाए ज़रूरी नहीं, मोहब्बत ढलती सपहरों से की जाए ज़रूरी नहीं, मोहब्बत कलियों से फूलों से की जाए ज़रूरी नहीं। क्योंकि मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं, और मोहब्बत मावरा है हमारी दुनिया की रसूम से कयूद से। मोहब्बत मावरा है हमारी दुनिया की रसूम से कयूद से, मोहब्बत बुलंद है आकाश से इस कायनात की हुदूद से। क्योंकि मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं, मोहब्बत तो बस एक एहसास है कि जैसे कोई दिल के बहुत पास है। क्योंकि मोहब्बत रूह है जिस्म नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कुछ लफ्ज़ घर की दीवारों से चिमटे रह जाते हैं, कुछ लफ्ज़ घर की दीवारों से चिमटे रह जाते हैं, लोग चले जाते हैं लफ्ज़ छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर बेटे, आपने कमाल, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत शायरी लिखी है और पढ़ी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा कमाल जो है वो ये है कि इनके फादर इन लॉ यहाँ बैठे मैं हुए बुला रही हूं उनको। और उनके सामने शेर पढ़े और क्या बात है साहब, और दिल खुश हो गया। मैंने मेरे फादर इन लॉ के सामने एक बार जसारत की थी एक शैतान सा शेर पढ़ने की। नायला के रुखसार पे यहाँ पे एक तिल है जो कि बड़ा, जब मेरा नई नई इसके साथ एंगेजमेंट हुई थी तो बड़ा अच्छा लगता था, तो वो अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक रुबाई सुनाई थी जो कि हमारे दोस्त सादकैन की है, मैंने रुबाई सुनाई थी, ये यूं करके है वो कुछ है। नहीं नहीं यूं नहीं, रुबाई यूं है कि अब मुझको निगाहों में समोना तिल है, अब दिल के चमन में मुझे बोना तिल है, बिस्मिल्ला में जैसे के हो नुक्ता, ऐसे उस सांवले मुखड़े पे सलोना तिल है। और तो उन्होंने ऐसे देखा कि ये लड़का इस किस्म की बातें करता है, हालांकि मैंने सुन रखा था कि वो भी अदब के बड़े वो हैं। तो मैंने ज़रा लिमिट्स को टेस्ट करते हुए कहा कि उनके रुखसार पे है तिल और मेरे होंठों पे हाय हाय तिल, तिल मिलाने की इजाज़त भी तो दी जाए कभी तो तिल मिलाने की इजाज़त दी जाए। हमारे एंगेजमेंट के बाद, मंगनी के बाद बड़ी सख्त पाबंदियां थी कि हम सिर्फ इनको आके दूर से मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक जनरेशन नई आई है कि ऐसे धड़ल्ले के साथ उन्होंने ज़बरदस्त पोइट्री पढ़ी है और उनके फादर इन लॉ बैठे हैं, आप उनको बुलाइए। जी 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 मैं इस वक्त उमर साहब के फादर इन लॉ मिस्टर रेहान मलिक को स्टेज पे बुलाती हूँ, हु वाज एडिशनल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टू अटेंड दिस उर्दू बैठक। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज स्पेसिफिक विजिट हियर टू बेकरफील्ड जस्ट टू अटेंड द उर्दू बैठक। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। माशाल्लाह इस उर्दू बैठक में इनका आना इतनी खुशी होती है देख के कि हमारे पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस दर्जा रोशन ख्याल। वेलकम सर, तशरीफ लाइए सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज कहने का। मेरे पास तो इतने अच्छे अल्फाज नहीं हैं कहने को। मैं समझता हूँ कि वक्त थमता नहीं है किसी के लिए। अभी चंद साल पहले की बात है कि जब मैं पहली दफ़ा मैंने बेकर्सफील्ड में डॉक्टर इस्लाम और डॉक्टर मोना को सुना और लगता है कि कल ही की बात थी, और आज मैं समझता हूँ कि बेकर्सफील्ड वाले तमाम लोग, उमर हयात, सना, डॉक्टर इस्लाम, डॉक्टर मोना, ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं आ सके किसी वजह से भी, सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। तो इन्होंने आज वक्त को रोक दिया है, बाहर को रोक दिया है, बाहर थम गई है। ये चंद घंटे नहीं हैं, ये चंद हफ्ते और चंद महीने हैं जो हमें बहुत अरसे तक याद रहेंगे। आज इतनी खूबसूरत नज़में सुनी और मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ, इनकी खुशबू मुझे यहाँ ले आई ह्यूस्टन से, और खुदा करे कि हमें और वक्त मिले और हम बार बार आएँ और बार बार इकट्ठे हों। आज डॉक्टर मोना ने, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पहले एक फैज़ साहब की नज़म पढ़ी, वो इतनी खूबसूरत है, मैं जसारत करूँगा कि उसके चंद एक मिसरे गाए बगैर कह दूँ। बहार आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब हमारे शबाब सारे, ये ख्वाब हैं जो हमें इकट्ठा कर देते हैं, जो मिट के हर बार फिर जिए थे निखर गए हैं गुलाब सारे।
غبار خاطر کے باب سارے تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں اس وقت میں ایک اور خوبصورت سا گیت سناتی ہوں جو کہ فلم پاکیزہ سے ہے اور آج کے اس ماحول اس موسم کے لیے بالکل ٹھیک سمجھا میں نے اور ایک میری بہت ہی اچھی دوست ہے اس کی ہمیشہ فرمائش رہتی ہے کہ یہ گیت میں سناؤں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ گیت آپ کو سناتی ہوں اس وقت موسم ہے عاشقانہ Thank you.
भैया। हाय मौसम रंगीले सुहाने, तीन ताल कहरवा। छुट्टी लेके आजा बलमा।